हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा सैंडमैन रिएक्शन को। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गेटरमैन रिएक्शन को, जो फिर से डाइजोनियम सॉल्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए सबसे पहले जानते हैं गेटरमैन रिएक्शन होती क्या है। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सिमिलर रिएक्शन टू सैंडमैन रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच इज़ दिस। ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है, अगेन हमें क्या करना है, इस डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर N2 को रिमूव करके यहाँ पे Cl को प्लेस करना है, और अगले केस में N2 को रिप्लेस करके हमें यहाँ पे प्लेस करना है, रिप्लेस करके ब्रोमीन को लगाना है। तो ये भी एक ही मेथड है जिसके अंदर हम हेलोजन को लगाने वाले हैं। साइनाइड वाला मेथड इसमें नहीं होता है। तो इसके अंदर हम क्या न्यूक्लियोफाइल का यूज़ करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉपर पाउडर और उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का। HCl जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा Cl नेगेटिव, यानी क्यूप्रस सॉल्ट की बजाय यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, वी हैव यूज्ड कॉपर पाउडर। तो अगर कॉपर पाउडर्ड फॉर्म में हम लेते हैं तो ऐसे केस में द रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन रिएक्शन, और अगर क्यूप्रस सॉल्ट हम लेते हैं तो ऐसे केस में इट इज़ नोन एज सैंडमैन रिएक्शन। अगर यहाँ पे अपने को Br लगाना है तो वट वी यूज इज अगेन HBr। तो फ़र्क क्या था, वहाँ पे Cu2Cl2 था, यहाँ पे सिर्फ कॉपर है। यहाँ पे कॉपर है, वहाँ Cu2Cl2 था। मैकेनिज्म इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। सबसे पहले स्टेप में N2 गैस विल बी रिमूव्ड। N2 गैस रिमूव होने के बाद यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा विच विल बी हाईली अनस्टेबल, और HCl से हमें मिलेगा Cl माइनस, और HBr से हमें मिलेगा Br माइनस, जो यहाँ पे अटैक करेगा, एंड फाइनली प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सो गाइज, दिस इज गेटरमैन रिएक्शन इन विच डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद कॉपर पाउडर एंड हेलोजन एसिड टू गिव क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन रिस्पेक्टिवली। Thanks for watching. Please share, like, and subscribe.